अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी? क्या कर रहे हैं भाई? बैठे हुए हैं, काम कर लिए सारे, अब पढ़ने के मूड में हैं। वेरी नाइस। मौसम कैसा हो रहा है? अच्छा मौसम हो रहा है। बाहर क्या नज़र आ रही हैं? चिड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उनकी आवाज़ें नज़र आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, तो आप किसकी आवाज़ आ रही है? किसकी आवाज़ हुई भाई जी? ये है तोते की आवाज़। और अब मुझे आवाज़ किसकी आ रही है? काय काय, ऐसी कोई आवाज़ आ रही है, कौवे की आवाज़ जी। और इसके बाद और आवाज़ आ रही है, चू चू चू। ये किसकी आवाज़ होती है भाई जी? ये चिड़िया की आवाज़ होती है जी। इसका मतलब है ये है कि सारे जानवरों की मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं और मैं उनकी आवाज़ों से पहचान गई कि बाहर कौन है, चिड़िया है, कौवा है या फिर तोता है ना? इसी तरह से हमारे पास हुरूफ़ तहज्जी मौजूद होती है, अलिफ बे पे ते टे से, है ना, ये मौजूद होती है जिनको हम उनके नाम से याद रखते हैं। इन हर हर्फ की अपनी एक आवाज़ भी होती है जी, इनकी अपनी आवाज़ भी होती है, इनका नाम भी होता है और इनकी आवाज़ भी होती है। जैसे कि आपका नाम है ना, मैं आपको आपके नाम से भी पहचान सकती हूँ, लेकिन जब आप अपनी टीचर को अपनी ऑडियो भेज रहे होते हैं तो उसमें उसकी आपकी आवाज़ जा रही होती है ना, यानी कि आपका नाम भी होता है और आपको आपकी आवाज़ से भी पहचाना जाता है ना भाई? इसी तरह से हमारे पास जो हुर्फ तहज्जी मौजूद होते हैं उनकी अपने नाम भी होता है और उनकी आवाज़ भी होती है। तो आज हम उनको उनकी आवाज़ों से पहचानेंगे और फिर एक बहुत ही मज़े की मश्क करेंगे, ठीक है जी? तो सही है, अब हम खोलेंगे, हमारे पास पेज नंबर मौजूद है 12, जो कि यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास पूरी हुरूफ़ तहज्जी मौजूद है ना, नज़र आ रही है आपको? आप कहेंगे मैं आज अलिफ बे पढ़ा रही है, हम लोग हम छोटे से बच्चे हो गए। नहीं भाई, आप तो बड़े बच्चे हैं मेरे जी, और आप लोगों को तो ये सब हुरूफ़ तहज्जी आराम से आती है ना। तो ज़रा पढ़ते हैं, पहले अलिफ बे ते टे से जीम छे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे ये सीन शीन स्वाद द्वाद तोय जोय एन रैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव छोटी ये बड़ी ये। हमने इनको इनके नाम से पढ़ लिया। को कहते हैं हल्की आवाज़ें, ये होती हैं हल्की आवाज़ें, ठीक है ना, क्योंकि इनके साथ दो तश्मीहे नहीं होती है। दो तश्मीहे जो होती हैं वो होती हैं भारी आवाज़ें। कभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके बारे में भी, आज हम सिर्फ हल्की आवाज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और अब इनको मैं इनके नाम से पढ़ती हूँ। नाम से तो मैंने पढ़ लिया, अब कैसे पढ़ेंगे जी? अब हम पढ़ेंगे इनकी आवाज़ों से। वेरी गुड, ठीक है जी। क्या है ये? अ अ अ ब ब त त ट ट स ज ज च च द द ड ड ज ज r r z z y y z z to to z z a a g g ग ग ग ग अ अ इ इ ए ए
जी इन सारों की आवाजों की आपने प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? जी इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको ये सारी आवाजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, अब हमारे पास मौजूद है नीचे एक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी क्या है? नीचे दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग करके लिखें, इनकी आवाज़ें भी अदा कीजिए। आपकी आसानी के लिए एक मिसाल दी गई है जी, यानी कि हमारे पास कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको उनकी आवाज़ों के साथ में अलग करना है। जैसे कि पहला लफ्ज़ लिखा हुआ यहाँ पे फलक, 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 यानी कि हमने आवाज़ों के साथ में इसको अलग करके लिखना है। तो फलक, फे लाम काफ, जी आवाज़ों को समझते हुए हमने हुर्फ को अलग करना है। सही है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हमारे पास आता है दा ना, दा ना, दा ना, द अ न अ, द अ न अ, वेरी गुड। हरियाली, 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 ह र इ अ ल इ, ह र इ अ ल इ, हरियाली। कितनी आसानी से हमने ब्रेक किया, हमने तोड़ा लफ्ज़ को और हमारे पास पता चल गया कि इसकी आवाज़ें क्या हैं और इस तरह से हमने हुर्फ निकाल लिए। ठीक है जी, पन छी, पन छी, प न छ ई, प न छ ई, निज़ाम, 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 न ज अ म, न न ज अ म, न ज अ म, जी। अब हमारे पास क्या है? बसाए, 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 ब स अ ए, ब स अ ए, ब स अ ए, जी। हुकुम, हुकुम, ह क म, ह क म, ह क म, यस। अब हमारे पास है बूझो, 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 ब ओ झ ओ, ब ओ झ ओ, बूझो। जी कितनी आसानी से हमने जो है ये सारे आवाज़, सारे जो अल्फाज थे उनकी आवाज़ों को अलग अलग करके हमने हुर्फ लिख दिए, है ना। अब आप किसी भी हुर्फ को, किसी भी अल्फाज में से हुर्फ को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अपने दोस्तों के साथ बैठें और उनके साथ डिस्कस करें और बहुत से ऐसे अल्फाज लीजिए और आपस में बैठ के जो है उनको, उनकी आवाज़ों को पहचान के उनके हुर्फ को अलग कीजिए। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे? इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे ताकि आप लोगों को आवाज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता चले कि किस तरह से अल्फाज के साथ में हुर्फ को अलग किया जाता है उनकी आवाज़ों को पहचान के। ठीक है जी, फिर आपके टीचर आपको कॉल करेंगी तो आपने उनको भी बताना है, समझाना है कि आज हमने कौन सी न्यू एक्टिविटी की थी और फिर उसके बाद अपने काम की पिक्चर उनको भेजनी है। ठीक है जी, कल करेंगे इंशाल्लाह न्यू एक्टिविटी। अल्लाह हाफिज़।